हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने इस टेक्निकल खास यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे और भी चैनल हैं, और जिसमें से एक चैनल हमारा टर्मिनेट कर दिया गया है, बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया है यूट्यूब के द्वारा। और ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरी बात है हम लोगों के लिए, और आप लोग वो वीडियो देखते होंगे तो शायद आप लोगों के लिए भी। फिलहाल उस चैनल को भी बहुत लोग विजिट करते थे, हालांकि वो चैनल इतना ऐसा नहीं था कि हर कोई इसको विज़िट करे, लेकिन जो धर्म में पूजा भक्ति में बिलीव करते हैं वो लोग ज़रूर विज़िट करते थे। हालांकि वो सभी के धर्म के लिए नहीं था, लेकिन धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। जब हम कोई अच्छी बात को सीखते हैं या सिखाते हैं या फिर करते हैं या सुनते हैं समझते हैं, तो धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। तो वहाँ धार्मिक वीडियोज़ भी नहीं थी, लेकिन वो है कि सच्चे ज्ञान धर्म सत्संग की वीडियो होती थी। और कुछ हमने थोड़ी सी पूजा करी थी घर पर ही, तो वो वीडियो उसमें थोड़ा सा भजन था, वो भजन का मैंने वीडियो उस चैनल पर अपलोड कर दिया। हालांकि मैं वहाँ पर सत्संग और धर्म की बातों को ही वहाँ पर मैं अपलोड किया करता था, और सारी वीडियोस भी हमारी पॉजिटिव थी, कुछ भी नेगेटिव नहीं था, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि लोगों को सुनकर उसमें बुरा लगे या फिर लोग उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोचें। हर कोई जो भी उस वीडियो को सुनता था, है ना, तो लोग अच्छा ही उसको मानते थे। कुछ भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कि यूट्यूब को एक्शन लेने की ज़रूरत थी कि ये चीज़ गलत है। हालांकि उसमें एक चीज़ हुई थी कि हमारा उसमें 4 घंटे का वॉच टाइम भी कम्प्लीट हो चुका था, और सब्सक्राइबर भी उसमें लगभग 2000 करीब सब्सक्राइबर भी थे, और चैनल का नाम था सतगुरु कबीर साहेब। तो सतगुरु कबीर साहेब नाम का हमारा जो चैनल था वो यूट्यूब ने परसों सस्पेंड कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आया, जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की तुरंत मेरे पास मेल आ गया कि आपके चैनल पर इलीगल एक्टिविटी हुई है और आपका चैनल सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सोचकर और ये पढ़कर ईमेल को मैं बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो भी मैंने वीडियो अपलोड की थी उसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए इस झलक को। गाइस, आपने ये वीडियो की झलक देखी, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिसकी वजह से यूट्यूब को कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत थी। एक धार्मिक सत्संग था, घर पर ही हमने पूजा करी थी, वही सत्संग हमने अपलोड कर दिया, एक भजन को अपलोड कर दिया, तो कोई गलत नहीं कर दिया, फिर भी यूट्यूब ने एक्शन ले लिया और हमारा चैनल टर्मिनेट कर दिया। बड़ा दुख हुआ। इसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया। हालाँकि मैंने इसके लिए एक एप्लीकेशन जो हमारा फॉर्म होता है उसको फिल किया और उसमें अपील की कि हमारा चैनल जो गलती से यूट्यूब से टर्मिनेट हो गया है और उसको हमारा चैनल को रिकवर कर दिया जाए, वापस हमारा चैनल हमें दे दिया जाए, क्योंकि हमारे चैनल में कोई ऐसी एक्टिविटी थी ही नहीं और ना ही होती है। ठीक है, जब से हमने पूरा रेगुलेशन अपना यूट्यूब का पढ़ा है तो हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते भी नहीं हैं। और ये प्रोसेस अपील का मैंने कैसे किया इसी वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा चैनल का ईमेल आया तो उसी में एक लिंक आता छोटा सा अपील का, ठीक है, उसको ओपन किया मैंने, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा मोबाइल की स्क्रीन पर, फिलहाल मैं पहले आपको बता देता हूँ। उसको ओपन किया, उसमें अपने चैनल का नाम डाला, चैनल का लिंक डाला और ईमेल आईडी डाली, जो भी मेरी चैनल की ईमेल आईडी थी, ठीक है, वो चीज़ मैंने डाल दी। उसके बाद एक परफॉर्मा लिखना होता है हमें, किस तरह से अपील करनी है, किस तरह से मैसेज को लिखना है, तो वो चीज़ मैंने लिखी, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो आप भी अपील इस प्रकार से कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ दिन के लिए बोला है, देखते हैं चैनल वापस आता है या नहीं आता है,
पहला रूल यही कहता है कि हमें पहले अपील को करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट क्रिएटर मैसेज नहीं करने के बाद जो हमारे पास ईमेल आया है अपील करने का, तो उसे अपील किया जाए। तो मैंने वही किया, अपील कर दी है, ठीक है। अब चैनल वापस आता है या नहीं आता है ये मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से और कितने दिन में चैनल वापस आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो YouTube ही जाने। चैनल वापस आता है तो इसमें आप लोगों का सपोर्ट भी होगा। तो गाइज, यदि यार हमारे चैनल के लिए आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सतगुरु कबीर साहिब का जो हैशटैग है ना नीचे मिल जाएगा आपको, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि वहाँ पर हम पॉजिटिव थिंकिंग, जो लॉकडाउन का माहौल है, जो लोग बाग घर में सोच रहे हैं ना, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए थी, घर में भजन सत्संग करने के लिए, है ना। और चीज़ें अच्छी होती हैं यार, हम तो ऐसी अफवाहें या फिर कोई गलत चीज़ नहीं करते हैं, फिर भी लोगों ने पता नहीं क्या, किसी ने क्या कर दिया या फिर यूट्यूब ने ही ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, हमारा चैनल टर्मिनेट कर दिया, बड़ा ही दुख हुआ। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैंने अपील की अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ये ईमेल आया था हमारे पास, सतगुरु कबीर साहब, वी हैव रिमूव्ड योर चैनल फ्रॉम यूट्यूब, और बाद में नीचे लिखा हुआ है ये दो दिन पहले ही, ये देखो मैंने बताया था परसों का, हाय सतगुरु कबीर साहब, वी हैव रिव्यूड योर कंटेंट एंड द फाउंड सर्वर और रिपीट वायलेशन ऑफ अवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, बिकॉज ऑफ दिस वी हैव रिमूव्ड योर यूट्यूब चैनल। तो ये चैनल हमारा रिमूव हो गया और यहाँ पर सारी चीज़ें लिखा हुआ है, लिखा हाउ दिस अफेक्ट योर चैनल, वी हैव परमानेंटली रिमूव्ड योर चैनल फ्रॉम यूट्यूब, गोइंग फॉरवर्ड यू वॉन्ट वी एबल टू एसेस प्रोसेस और क्रिएट एनी अदर, ठीक है, यूट्यूब चैनल, व्हाट यू कैन डू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिव्यू यूट्यूब चैनल कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड क्रिएटर एकेडमी लेशन, और अपील करने के लिए हेयर पर क्लिक करना था हमें, तो अपील करने के लिए हम यहीं पर क्लिक करने वाले हैं हेयर पर, तो अपील करने का था हम हेयर पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं हेयर पर क्लिक कर दिया और यहाँ से हमारा नेक्स्ट पेज हमारा खुल जाएगा। अब हेयर पर हमने क्लिक किया तो इस तरह से हमारा ये खुल गया है, और यहाँ पर हमारा योर फुल नेम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सतगुरु कबीर साहेब, तो हिंदी में था हिंदी में कर देते हैं हम कीबोर्ड को पहले, सतगुरु कबीर साहेब, ठीक है, या फिर यहाँ पर योर फुल नेम लिखा हुआ तो यहाँ पर हम अपना नाम लिखना, सॉरी गलती हो गई, अपना नाम लिखना होता है, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है, और यहाँ पर हमारी जो YouTube चैनल की जो हमारी ईमेल आईडी थी सतगुरु कबीर साहेब के वाले चैनल की, तो ईमेल आईडी लिख दिया हमने सतगुरु कबीर साहेब, और यहाँ पर लगा ईमेल एड्रेस वी कैन यूज टू कॉन्टैक्ट यू, अपना ईमेल एड्रेस जो हमारा पर्सनल ईमेल एड्रेस है, मतलब इस ईमेल एड्रेस के अलावा दूसरा ईमेल एड्रेस उसको हम लिख देते हैं, तो हमने वो भी लिख दिया, और ये हमने लिख दिया। इसके बाद लिखा हुआ है URL of suspend YouTube channel, तो URL भी लिख देते हैं, URL हमने लिख कॉपी कर रखा था पहले से ही, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर कॉपी करें, तो कॉपी कर रखा था हमने, तो यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर देते हैं, हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो यहाँ पर आती है, लिखा है अपना जो कंटेंट लिखना होता है, अपना जो मैसेज टाइप करना होता है वो यहाँ करना होता है, वो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो चीज़ आपको यहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है नीचे जाके ज़रूर देखिएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ उस चीज़ को, देखिए मैंने कॉपी कर रखा है और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, इसे मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चेंज करनी है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे लिखा है माई यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पर जो सतगुरु कबीर साहब है यहाँ पर अपना चैनल का नाम, इस चैनल का नाम को हटा के अपना चैनल का नाम लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद जो लिखा हुआ है यहाँ ब्रैकेट में रिपीटेड वायलेशन, तो यहाँ पर अपना जो भी आपके पास अपील आई होगी, है ना, जो भी सस्पेंड करने का रीज़न आया होगा वो यहाँ पर टाइप करना है, और लास्ट में जाकर आपको अपना नाम लिख देना है, थैंक यू अमित सैनी या फिर जो भी आपका ड्राइवर आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर लिख देना है, और जाने के बाद आपको सबमिट कर देना है, बस इतना काम करना है। फिलहाल मैंने इसे ऑलरेडी इसको अपील कर रखा तो मैं इसे सबमिट नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपील कर लेनी है। सो गाइस, यदि आपका भी चैनल टर्मिनेट हुआ तो आप भी इस तरह से अपील कर सकते हैं और बताएंगे कि हमारा चैनल कब से कब तक, यानी कितने दिन में रिकवर हो गया, कितने दिन में हमारा चैनल वापस आ गया। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।